ए प्लास्टिक दे जम के किड मंग रहा है प्लास्टिक तेरी जी मार दे ए भी रन बाकी हम ये को बदला आगे रे भाई ये बस ये सही है नल के अगेन ये बात है विराज इसने जम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहने और भाई खैर खैर से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह से आज जो है हमने अपने अब्बू की गिराज को जो है अच्छी तरीके से जो है साफ़ किया है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको पता है हमारा बाहर का किचन तो है नहीं, तो इस साल जो है हमारी सर्दियाँ जो है यहीं पर गुजरेगी, क्योंकि अल्लाह पाक जो है फुर्सत देगा तो हम जो है नया बनवा लेंगे। तो बस देख सकते हैं सारा सामान जो है हमने निकाल लिया है और सुहाना भी मेरे साथ थी, तो हम जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो बस चूल्हा जो है हमारा पहले बना हुआ था, उसकी लिमाई जो है अच्छी तरीके से मैंने करके जो है रख दिया है। यही यहाँ का सेटअप मैंने लगा दिया है, तो सुहाना के भाई को अभी देर है, कुछ देर बाद जो है आ जाएंगे, उसी का ही इंतज़ार है। तो वो सब्ज़ी जो है लेकर आएंगे तो फिर जो है हम शुरू करेंगे। तो आप ये बताए ना कि आज के आपके भाई जो है क्या लेकर आएंगे सब्ज़ी में? मुझे क्या पता भाभी, वो आएंगे तो पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो हमें भी उसी का इंतज़ार है, तो आ जाएंगे। तो आज का खाना जो है हमारे नए किचन में है, तो आपने हमारी वीडियो के जो है साथ ही रहना है। तो अभी शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बन गया सालन? बना लिया है सालन। आज तो मुझे लगता है कि थक गए होंगे आप हैं। हाँ। काफी ज्यादा कचरा था, ये सारी सफाई वगैरह, आज तो गिराजी ऐसे चमक रही है माशाल्लाह से। हाँ। क्योंकि बाहर अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, इस वक्त अभी ठंड लग रही है मुझे, तो इसका ना ये कपड़ा वगैरह आगे सुबह बना लेना है। ये कपड़ा आगे से लग जाएगा ना, चलो ये बंद हो जाएगी। जब ठंड ज्यादा हो तो तब जो है बंदा अंदर बना लेता है सालन रोटी। हाँ। ठीक है ना, तो जब धूप निकल आती है हम बाहर जो है बना लेंगे। हाँ, जब धूप।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आज हमारा सर्दियों का जो है ना, ऐसे समझ ले पहला खाना है, वो भी नए किचन में। माशाल्लाह से ये अबू की गिराज थी, ये हमने कभी कब से बनवाई हुई थी, तो आज ये जो है काम आ गई है। तो अबू तो माशाल्लाह से काम पे हैं, तो वो भी चले आ जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे साथ में। बंदा रोटी सालन बना लेता है तो साथ में बस जगह काफी है, वो सो जाएंगे। तो आपको पता है कि किचन तो है नहीं, इंशाल्लाह बनवा लेंगे। फुर्सत जब ऐसा ऐसा बनेगी ना तो बना लेंगे। तो माशाल्लाह से आज जो है आलू मेथी की सब्जी लेके आया था और बेगम ने वो बना दी है। क्योंकि सुबह सुबह जब उठते थे तो बहुत ज्यादा धुंध होती थी, हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती थी। हाँ, बार बार काफी ज्यादा ठंड होती है, तो यकीन माने बेगम जब सुबह स्वानों को जो है सुबह नाश्ता देती है तो इसको काफी ज्यादा ठंड लगती है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है इसको सुबह उठ के। सर्दी में नाश्ता बनाना, आपको पता है कि पानी भी ठंडा होता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सालन जो है अभी हमारा आलू मेथी का तैयार हो गया, और बेगम जो है रोटियां बना रही है। तो मैं थोड़ा चेक कर लूं, क्योंकि रूखा सालन खाने का ना मुझे बहुत ज्यादा शौक है। बिस्मिल्लाह, जिसने हमारे नए किचन में खाना खाना है वो आ जाए। हाँ सही है, ये तो हमारा गाँव का देसी माहौल है। सालन माशाल्लाह भी आई भी बना हुआ है, साथ में रोटियां बना लेना। तो काम से आया ना, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। शहर में भी उधर जो है दोपहर को रोटी वो जल्दी दे देते हैं, तकरीबन एक डेढ़ बजे जो है वो रोटी दे देते हैं। उसके बाद जो है रोटी देते हैं। हाँ, दोपहर वाली रोटी होती है, सुबह नाश्ता घर से करके जाता हूँ। वो दूसरा ये चूल्हा जो है बनाया था, पहले बना हुआ था मैंने सोचा है। हाँ, वो नया लग रहा है अब तो। इसको रिपेयर किया है बेगम ने, क्योंकि जब अंदर भी रख देता है इंसान इसको जो है। हाँ सही बात है। तो भी ये मैं रोटी पे खाऊंगा सालन, रोटियां बना लें। मैं तो कहता हूँ सब साथ में बैठ के खा लेंगे। चलो ठीक है, हाँ रोटियां बना लें आप। तो आज का दिन फिर कैसा गुजरा आपका? बहुत ही अच्छा गुजरा है। अच्छा, इसी के सफाई करते रहे है, ये भी गुजरा है। तो दिन को जो है सुबह सुबह जो है काम घर का भी है वो भी खत्म किया था। सुहाना तो सकून जाती है। हाँ, मैं घर का काम जो है वो खत्म कर लेती हूँ, शाम को आप भी आ जाते हैं। चलो चलो सही है, घर का काम तो भी बस होता है ना, आपको पता है कि। चलो ये भी हो गया, परेशानी इनकी कम हो गई। बाहर चूल्हे में भी बस बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ये अभी अंदर शिफ्ट हो गए माशाल्लाह से, परेशानी काफी ज्यादा कम हो गई। तो अभी ये रोटियां जो है हमारी कुछ बन गई हैं माशाल्लाह से। इसको जो है हम दूसरा ऊपर से कपड़ा दे देते हैं ना, ताकि ये ठंडियां ना हो, क्योंकि अभी ठंड बाहर भी है। तो सब साथ में बैठ के खाएंगे ना फिर। तो सुहाना आज माशाल्लाह से प्यारी लग रही है, इन्होंने जो है नया सूट पहना हुआ है। हाँ सही है, वही मैं देख रहा था। एक प्लास्टिक से झुमके किड मंगवाया है। इसने झुमके पहने हैं, यकीन माने कि एक हफ्ता हो गया वैसे मुझे देखते हुए, तो इन्होंने अभी तक जो है झुमके नहीं उतारे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बंदा चेंज कर लेता है ना। जो आपने लेकर दिए थे वो बहुत ज्यादा भारी थे और बड़े भी थे, तो वो मैंने नहीं पहने।